को सीधा पानीपत ले चलेंगे। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधन कर रहे, वे क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाएंगे, सुनिए जरा। उनको हमने हैप्पी कार्ड दे करके हरियाणा रोडवेज की बस में 1000 किलोमीटर तक वो यात्रा मुफ्त में कर सके, ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। उसका लाभ हरियाणा के लोगों को दिया जा रहा है। भाइयों, हमने कुछ संकल्प भी लिए हैं, क्योंकि समय का अभाव है, हमने कुछ संकल्प लिए हैं। आप सबके आशीर्वाद से 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और सरकार बनते ही हमने सबसे पहला फैसला अपनी बहनों के लिए लिया है, महिलाओं के लिए लिया है। हमने कहा है 8 तारीख के बाद एक योजना बना करके, लाडो लक्ष्मी योजना बना करके 2100 रुपया पर मंथ महिलाओं को देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख नए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके भी देने का कार्य हमारी सरकार करेगी, ये भी निर्णय हमने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, ये डबल इंजन की सरकार ने दिया था, और जो 5 लाख रुपए का अधिकार था, 8 तारीख के बाद ये 5 लाख का नहीं, अब व्यक्ति को 10 लाख रुपए का खर्च करने का अधिकार ये हमारी सरकार देगी, ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग, जो चाहे माता है चाहे हमारा बुजुर्ग है, उसको भी अलग से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। अब उनके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, उनके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह और प्रमोद विज जी को रहेगी, और परिवार को कोई चिंता नहीं रहेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है आने वाले समय में 2 लाख और नई नौकरियां बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा सरकार में देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है जो एससी समाज और बीसी समाज के बच्चे हैं, वो भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, भाइयों आने वाले 8 तारीख के बाद उनको पूरा छात्रवृत्ति दे करके पूरी की पूरी फीस हरियाणा सरकार देने का काम करेगी, उसके माँ बाप को कोई चिंता नहीं। भाइयों, मैं आप लोगों से ये अपील करने के लिए आया हूं कि आप यहां से एक एक वोट 5 तारीख को कमल के बटन के ऊपर दबाने का काम करें, और जब 8 तारीख को रिजल्ट आए, ये कांग्रेस पार्टी भाइयों आईसीयू में चली जाए, वेंटिलेटर पे चली जाए, ये कार्य आप लोगों ने करना है। भाइयों, इन्होंने भ्रष्टाचार किए लोगों को सुविधाओं से, भाइयों इन्होंने सुविधाएं नहीं पहुंचाई हैं, अपना घर भरने में लगे रहे हैं। एक करनाल का विधायक है, करनाल के असन से चुनाव लड़ रहा है कांग्रेस का, भाइयों उसने घोषणा की मंच के ऊपर से, कहा बिना घपले के सरकार नहीं चलती, घपले करने पड़ते हैं, फिर कहने लगा कि हमारी सरकार बन रही है, सबसे पहले मैं अपना घर भरूंगा और फिर अपने साथ के लोगों का भरूंगा। भाइयों, ये आवाज ये राहुल गांधी पे चली गई, और राहुल गांधी तुरंत यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए उसके क्षेत्र में आ गया। भाइयों, हमने इस बात को लेकर के निर्णय करना है कि भ्रष्टाचारी लोग ये हरियाणा के अंदर ये भूखे बैठे हैं, इनकी सोच है कि हम जो ही कब्जा करें हरियाणा को नोच करके खाने का काम, और हम दामाद को खुश करने का काम करेंगे। क्या आप करने देंगे?
मैं पानीपत की सरदारी से पूछना चाहता हूं, क्या आप करने देंगे? दोनों हाथ खड़े करके आप बताने का काम करेंगे। भाइयों आज ये संकल्प ले लीजिए, 5 तारीख तक घर नहीं बैठेंगे, एक एक घर में जाएंगे, एक एक युवा पे जाएंगे, बताने का काम करेंगे। और भाइयों 5 तारीख को कमल का बटन दबवाने का काम करेंगे, 8 तारीख को जब रिजल्ट आए यहाँ से प्रमोद वीर जी बड़े मात्रा में जीत करके चंडीगढ़ में जाए, आप सबका स्वागत करने का काम मैं चंडीगढ़ में करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और